हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंश एजुकेशन प्लैनेट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जिनके नाम थे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड कॉम्यूटेटिविटी के बारे में डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अपनी बची हुई प्रॉपर्टीज को खत्म करेंगे। ओके, सो मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा अपने 4th नंबर प्रॉपर्टी से, जिसका नाम है द रूल ऑफ जीरो। देखो स्टूडेंट, ये कोई बहुत मुश्किल प्रॉपर्टी नहीं है। वैसे तो ना इसके नाम से बहुत कुछ क्लियर होता था। रोल ऑफ जीरो मींस ये मैथमेटिक्स की रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में जीरो का क्या रोल है ये हमें समझाना चाहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसके नाम से इसकी बात नहीं क्लियर होती तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ जी आप एक नंबर ले लीजिए, सपोज करिए एक रैशनल नंबर या एक जो भी है एक नंबर ले लीजिए 2। अब आप इसमें कुछ ऐसा ऐड करिए कि वापस 2 मिल जाए मुझे। तो आप कहेंगे सर इट्स वेरी इजी, इसमें सर 0 ऐड कर दो, क्योंकि सर 0 की कोई वैल्यू होती नहीं तो 2 का 2 ही हमें रिटर्न मिल जाएगा। ओके, या मैं कहूँ, अच्छा इस चीज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मैं आगे ब्लैंक कर दूं और फिर 2 कर दूं और कहूँ कि मुझे सिर्फ 2 चाहिए, तब भी वही बात रहेगी। मीन्स 0 को आगे रख करके ऐड करूं चाहे पीछे रख करके ऐड करूं, आना रिजल्ट वही है जो नंबर आपने अपना लिया है। तो आप यहाँ पर भी क्या आंसर डालेंगे, 0। तो हो गई ना बात। ये दोनों एग्जाम्पल क्या समझा रहे हैं, ये दोनों एग्जाम्पल हमें रोल ऑफ जीरो का क्या रोल है वो रोल बता रहे हैं कि जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो जीरो की वैल्यू नहीं रहेगी, जो नंबर हम जिसके साथ उसको ऐड करेंगे वही नंबर हमें वापस रिटर्न हो जाएगा। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो, दैट्स द रोल ऑफ जीरो, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, इसलिए इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में उन्होंने कुछ इस तरीके से समझाया कि सपोज यू आर टेकिंग एन एग्जांपल, लेट ए, एंड आप ए प्लस 0 करके ऐड करें या 0 प्लस ए ऐड करें तो आपको आंसर जो है वो क्या मिल जाएगा, ए ही वापस मिल जाएगा। इसलिए 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी, जीरो identity for the addition of rational numbers। एडिशन का केस है ना, बीच में प्लस का साइन है ना, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, इसके बाद जो हमारी 5th प्रॉपर्टी है उसका नाम है द रोल ऑफ 1। फिर वही बात, आप रोल ऑफ 1 मीन्स 1 का रोल अब बताएगा हमको कि 1 की क्या इंपॉर्टेंस है, 1 का क्या रोल है हमारे प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में। ओके, देखिए अब फिर वही बात, मैं एक आपको एक नंबर दे दूं जी, आप 5 लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए कि 5 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे वापस 5 ही मिलना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल, हम 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 1 = 5 होता है। क्लियर, इसमें भी वही चीज है, आप पीछे रख करके मल्टीप्लाई करें या आप आगे रख करके मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा हमारा वही चीज आएगा, जो आप नंबर लेंगे वही वापस हमें मिलेगा। ओके, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात। तो इस वजह से सबको अलग अलग नाम दिया गया। देखो ये तो हेडिंग हो गई आपकी, द रोल ऑफ 0, द रोल ऑफ 1, ये तो हेडिंग है आपकी। बाकी यहां पर उसको नाम से बोला गया कि 0 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ऐसे ही यहां पर भी 1 को भी एक नाम दिया गया बाकायदा। क्या नाम दिया गया कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 is the multiplicative identity for rational numbers। क्योंकि चैप्टर हमारा सारा रैशनल नंबर्स पर बेस्ड है, इसलिए रैशनल नंबर का नाम तो आएगा ही आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये दोनों। इसके बाद पहले रफ करो, इसके बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है उसका नाम है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। मैंने लिखवाया था आपको पिछले वीडियो में, जो हमारी 8th क्लास वाली जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने लिखवाया था, 5th नंबर पे था नेगेटिव ऑफ अ नंबर, सॉरी 6th नंबर, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। देखो इसका मैंने एक और नाम आपको वहीं पर ही बताया था, मैंने कहा था नेगेटिव ऑफ अ नंबर कहें हम या एडिटिव इनवर्स कहें, या हम एडिटिव इनवर्स कहें, दोनों का जो सेंस है वो एक ही है, सेम थिंग है। आप नेगेटिव ऑफ अ नंबर कहें या एडिटिव इनवर्स कहें, सेम थिंग। अच्छा, आप इसको ना समझने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निकल वे का यूज करते हैं। देखो, मैं आपको एक फ्रैक्शन एक नंबर देता हूँ 2/3। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ो कि जो आपका जो आंसर हो ना वो जीरो आ जाए। मीन्स आप इसमें कोई ऐसा नंबर यहां पर इसको ऐड करिए, इसमें कोई ऐसा नंबर ऐड करिए कि जो आपका जो रिजल्ट हो वो क्या आना चाहिए, जीरो। तो आप कहेंगे सर इसके लिए एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वो ये कि 2/3 अगर ये पॉजिटिव है, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही है, तो इसका नेगेटिव ले लो सर। उससे क्या होगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। करके देखते हैं ना, आप इसके नीचे समझिए, इसकी एक्सप्लेनेशन करो। 2/3 ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, सो अंदर का साइन भी सेम टू सेम यहाँ कैरी होगा, ओके। और इसके आगे तो प्लस है ही, भूल ना जाना। प्लस माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। यही बात तो मैंने कहा था कि आप इस नंबर के साथ कोई ऐसा नंबर जोड़िए जिसके जोड़ने के बाद जो रिजल्ट हो वो जीरो आ जाए, ओके। तो आ गया। सो दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ अ नंबर का मतलब, अच्छी चीज और है, आपको ना नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, नेगेटिव ऑफ अ नंबर मतलब किसी दिए गए नंबर का नेगेटिव कर दो। मीन्स अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। उसका एक तरीके से ये उसका उसके सिंबल का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर कोई चीज पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तभी तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। इसलिए इसके दो नाम है, नेगेटिव ऑफ नंबर और एडिटिव इनवर्स, ये दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम था रेसिप्रोकल, ठीक है। रेसिप्रोकल भी बहुत इजी है और उसका भी एक और नाम था जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही। आप रेसिप्रोकल कहें या आप उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, सो बार बार मैं नहीं डिस्कस करूंगा उस चीज को। जो फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसको अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर दिया था, आप वहां से उसको समझ सकते हैं, ओके। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ भी कहें हम, सेम थिंग। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि सपोज आपने कोई नंबर, यही नंबर ले लेते हैं जो इसमें हमने लिया 2/3 लिया, इसके साथ किसी ऐसी चीज को मल्टीप्लाई करिए कि जो आपका जो आंसर हो 1 आए, ठीक है। आपका जो आंसर आए वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर इट्स वेरी सिंपल, मैं इसी नंबर का रेसिप्रोकल लूंगा, इसलिए नाम यही आ गया ना, रेसिप्रोकल, उल्टा व्युत्क्रम, उसी का एक दूसरा नाम रख दिया गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 2/3 इंटू 3/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर अल्टीमेटली हमारा कितना बचेगा, 1। हमारा आंसर कितना आ जाएगा अल्टीमेटली, 1, ओके। सो ये ना एक्चुअली एक बात और बताऊं आपको, जो अभी आप एक्सरसाइज करेंगे आगे, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं। उसमें अगर कोई आपको नंबर देगा, उसका एडिटिव इनवर्स मांगेगा, तो इट मींस आपको वहां पर क्या करना होगा, अपने दिए गए नंबर का साइन चेंज कर देना होगा। और इसी तरह अगर आपसे आगे जो एक्सरसाइज आएगी, अगर उसके अंदर क्वेश्चन में आपसे किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा तो आपको उस नंबर का रेसिप्रोकल करना होगा, साइन नहीं चेंज करना होगा। इसमें साइन चेंज नहीं करना होता, क्योंकि देखिए अगर आप सपोज करिए, अगर आपके पास नंबर होता -2/3 और मैं कहता जी आप इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि आंसर आपका 1 आ जाए, तो आप कहते सर मैं 3/-2 को कर दूंगा। तो साइन तो वही रहा ना, लगा रहा ना, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर, क्योंकि देखिए ना अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो -2/3 इंटू 3/-2, नेगेटिव से नेगेटिव वैसे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तभी तो आंसर आपको कितना आना है, 1। इसलिए ध्यान रहे कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स के केस में साइन चेंज होता है, और रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के केस में वैल्यू को रेसिप्रोकल किया जाता है, साइन से कोई लेने देना नहीं। तो साइन लगा है तो लगे रहने दीजिए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, इसमें साइन का कोई रोल नहीं होता, बट इसमें साइन का रोल होता है, ओके, ठीक है। फिर अपनी अगली प्रॉपर्टी लास्ट 8th नंबर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 8th प्रॉपर्टी का नाम जो है ना वो आपके एनसीईआरटी की बुक में तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, पर हम उतना बड़ा नाम से उसको बोलेंगे नहीं। मैंने पिछले वीडियो में भी इस बारे में बोला था। उसका पूरा नाम तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, आप एनसीईआरटी की बुक में आराम से देख लीजिएगा। फिलहाल हम सिर्फ उसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी लिख करके रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, इसको हिंदी भाषा में वितरकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वितरकता। ओके, देखिए ये प्रॉपर्टी को ना मैं आपको बहुत थोड़े से शब्दों में, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। मैं एक बात नॉर्मली लिखता हूं, ए बी प्लस सी, अगर ये चीज है आपके पास, ओके, वेयर ए बी सी ये तीनों ही रैशनल नंबर्स हैं। आप अपने माइंड में इस बात को तो सेट रखिए। ओके, अब आपके सामने ये इस तरीके से कोई एक एक्सप्रेशन आ गया, आप कहा जाए आप इसको सॉल्व करिए। तो आप मैथ्स पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि जब ब्रैकेट के अंदर बाहर कोई चीज होती है और जब हम उसको ब्रैकेट के अंदर भेजेंगे तो वो जितनी आइटम्स होंगी सबके पास जाएगी। वो तो रिजल्ट क्या होगा? ए पहले बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए जब सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ए सी। ओके, समझ में आ रही है मेरी बात यहां तक? ठीक है, यही चीज आप माइनस में भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप माइनस को नहीं कर सकते। या सपोज करिए बी माइनस सी होता, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, बहुत नॉर्मल, बहुत नॉर्मल। तो ए अंदर जाता ए इंटू बी, ए बी, और प्लस की जगह अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और ए इंटू सी, ए सी। अच्छा, एक बात अब आपको जो याद रखनी है, ये मत अपने माइंड में रखिएगा कि हमेशा क्वेश्चन में फॉर्म इस तरीके की आएगी तो इस तरीके से जाना है। नहीं, मैं आपको ना पहले एक नीचे वाला रफ करता हूं, मैं आपको पहले फोकस करके समझाता हूं इस बात को। देखिए मैंने लिखा ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये एक्चुअली एक फॉर्मेट है, इसमें से या तो आपके पेपर जो आपकी क्वेश्चंस आएंगे आगे एक्सरसाइज में, उसमें या तो जो आपका एक्सप्रेशन हो सकता है वो या तो इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। ओके, अगर इस फॉर्म में होगा तो आप उसको इस फॉर्म में लेके जा सकते हैं बाय दिस प्रॉपर्टी। ओके, ए ब्रैकेट बी प्लस सी हो तो आप उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। किसके द्वारा? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के द्वारा। ओके, through the property of distributivity you can open this algebraic expression in the form of this। ठीक, इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन में a इंटू बी प्लस a इंटू सी कुछ इस तरीके से फॉर्म आती है, तो अब आपको दिख रहा है ना कि दोनों में a कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं? a कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, और b प्लस c को अंदर होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें से a जाएगा तो क्या बचेगा? b, और इसमें से a निकल जाएगा तो क्या बचेगा? c। ओके, तो मींस कि अगर इस फॉर्म में हो तो आप इस फॉर्म में भी जा सकते हैं। इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में चले जाइए, या अगर ये वाली फॉर्म हो तो आप उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यही है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। ओके, यही चीज सेम नेगेटिव पॉजिटिव के लिए भी अप्लाई होती है और नेगेटिव के लिए भी अप्लाई होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारा।